आगे की भूमिका, सबसे पहले हाईकमान ने गलती करी, एक निष्क्रिय आदमी उनको टिकट दे दिया, जो आज तक किसानों के लिए कोई धरना आंदोलन नहीं करा, व्यापारियों के लिए नहीं करा, गरीब लोगों के लिए नहीं करा, ऐसे लोगों को टिकट देके एक कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। मैं चाहता हूं कि हाईकमान फिर से ये फैसला ले और फिर से फैसला लेके मुरली मोरवाल को टिकट दे, ये मेरा उपट के नेताओं से मैंने निवेदन करा है। विधायक जी, अगर आपकी टिकट परिवर्तित नहीं होती है तो आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जो मुझे कार्यकर्ता कहेंगे, जो बंडगा तहसील के कार्यकर्ता कहेंगे कि अपने को ये करना है, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना है या अपने को बैठना है, जो बंडगा तहसील के कार्यकर्ता कहेंगे वो मैं करूँगा। जब खरीद फरोख चल रही थी, जब आपने पार्टी नहीं छोड़ी, क्या लगता है अब पार्टी छोड़ेंगे या भाजपा में शामिल होंगे? कुछ ऐसा फर्क? मैं कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। जो दो तीन साल पहले मुझे 40 करोड़ दे रहे थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पास गया कि 40 लाख रुपए मुझे दे रहे हैं और 40 करोड़ रुपए मुझे दे रहे हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी मुझे दे रहे हैं। मैं पार्टी छोड़ के नहीं गया, मैंने कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को ये बातें मैंने बताई और मैंने कहा मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आज पार्टी छोड़ दूंगा तो बढ़ने का तहसील के अंदर कार्यकर्ता कहेंगे कि मुरली मतलब ये, और मुरली ने पार्टी छोड़ दी। जब पार्टी को कोई तकलीफ दिक्कत थी, जब मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पार्टी के साथ रहा। प्रदेश कार्यालय पर भी जाकर आप कुछ धरना देने वाले हैं? मैं सोमवार के दिन जाऊंगा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना दूंगा। धरने पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री उनके बंगले पे भी मैं धरना दूंगा और बैठूंगा कि आप टिकट बदला जाए, टिकट बदल के नाम घोषित किया जाए, मुरली मोरवाल के अलावा यहाँ से कोई चुनाव नहीं दे सकता। सत्य सटीक बेबाक।